नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वीडियो में। और जेट एयरवेज की तरफ से वापस से एक बड़ी खबर लेके बहुत टाइम के बाद आपके सामने लेकर आ चुका हूं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जेट एयरवेज को यहां पर बताया जा रहा था कि सितंबर 2022 से जो जेट एयरवेज की उड़ानें हैं उनको वापस से देखा जा सकता है, पर यहां पर अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जेट एयरवेज इस वक्त फेस कर रही है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो कि इस वक्त एयरलाइन को फेस करना पड़ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से 20 मई को जेट एयरवेज को यहां पर जो उनका सर्टिफिकेट था वो मिल चुका था। वो सर्टिफिकेट वही था, फ्लाइट ऑपरेशंस का सर्टिफिकेट। वो मिलने के बाद भी यहां पर काफ़ी सारी जो क्लैरिटी है अभी भी नहीं आ पाई है, और ये क्लैरिटी एयरक्राफ्ट पाइपलाइन को लेकर है, और जब तक ये अनाउंसमेंट एयरलाइन की तरफ से नहीं की जा सकती है, जिसके लिए काफ़ी समय से इंतज़ार किया जा रहा है। इस इंतज़ार का जो मतलब जो भी एंड है वो अभी तक नहीं हो रहा, और जब तक ये अनाउंसमेंट पाइपलाइन को लेकर, एयरक्राफ्ट पाइपलाइन को लेकर क्लियर नहीं होगी, जब तक यहाँ पर एयरलाइन अपना जो स्टार्ट है वो नहीं कर सकती है, और इसी चीज़ के लिए काफ़ी लंबे समय से वेट किया जा रहा है। यहाँ पर अंदाजन बताया जा रहा था कि सितंबर 2022 तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पर अभी भी ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है। काफ़ी सारे पैसेंजर्स, काफ़ी सारे जो जेट के एम्प्लॉयज़ हैं ऑलरेडी अभी इस चीज़ को लेकर वेट कर रहे हैं। जैसे ही जेट से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, और आगे से मैं कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश करता हूँ। जब तक के लिए जुड़े रहिए, और अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव या सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।